हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पूरे व्याख्या के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम अर्थात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया है। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी अथवा कोल्हान यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको बता दें कि एसोचैम द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, जिसमें हजारीबाग के आईसेक्ट यूनिवर्सिटी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया है। आईसेक्ट अर्थात ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपनी मातृभाषा में ग्रामीण जन कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अर्थात टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग के प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में 20,000 से अधिक सेंटर्स के साथ ICT एनेबल्ड सर्विसेज का लीडिंग नेशनल नेटवर्क है। इसमें भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आईसेक्ट द्वारा इसके लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ स्थापित किया गया है। ये यूनिवर्सिटीज़ है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी पटना बिहार और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 2। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में झारखंड के कितने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को कर्नल की मानद उपाधि यानी ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया है, 7, 5, 4 अथवा 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 वाइस चांसलर्स को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 7 मार्च 2022 को राजभवन में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुकुल नारायण देव और सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर संजोरिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ ही दोनों कुलपति यानी वाइस चांसलर्स को अपने अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत NCC ऑफिसर्स एंड कैडेट के लिए कर्नल कमांडेंट्स के पद पर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से चयनित उन कुलपतियों को ही मानद कर्नल की उपाधि दी जाती है जिन्होंने NCC के विस्तार एवं उत्थान के लिए अपने विश्वविद्यालय में विशेष योगदान दिया है। इन कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में NCC कैडेट को प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। इनके इन कार्यों को देखते हुए NCC महानिदेशक की अनुशंसा पर भारत सरकार ने उन्हें कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रवि रंजन, ज्ञान सुधा मिश्रा, VK गुप्ता अथवा मंगलमय बनर्जी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, VK गुप्ता। झारखंड के सर्वाधिक चर्चित मामलों में एक साहेबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले में न्यायिक आयोग यानी जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। झारखंड विधानसभा के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपा तिर्की की हत्या के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस VK गुप्ता की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला थानेदार रूपा तिर्की ने तनाव में आत्महत्या की थी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में झारखंड के धनबाद जिले के निवासी ने लगभग 2 वर्षों की मेहनत के बाद एक रोबोट तैयार किया जो घर, कार्यालय, मॉल, दुकान से चंद सेकंड में कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय कर देगा। वह रोबोट निम्नलिखित में से कौन सा है, विग रोबोट, एविग रोबोट, विश्वास रोबोट अथवा डी वायरस रिपोर्ट? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, एविग रोबोट। आइए इसे भी जानते हैं डिटेल में। हाल ही में झारखंड के धनबाद जिले के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सस्वयं पी रंजन ने लगभग 2 साल की मेहनत के बाद एविग नामक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को डीएक्टिव कर देगा। इससे संक्रमण फैलने का खतरा 0% तक हो सकता है।
अगर किसी बंद स्थान पर जाने अनजाने में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पहुंचता है तो उससे यह संक्रमण दूसरे तक पहुंचने का खतरा होता है। इस स्थिति में एविग रोबोट सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह रोबोट उस जगह पर मौजूद हानिकारक वायरस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। यह रोबोट एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट होने वाले वाईफाई के नेटवर्क पर काम करता है, जो अपने छोटे छोटे पहियों से घूमकर अल्ट्रावायलेट रे के प्रभाव से मौजूद बैक्टीरिया जर्म्स को निष्क्रिय करता है। इस रोबोट को फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर, कॉरपोरेट ऑफिस, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, मेट्रो, कॉमर्शियल मॉल, स्कूल, ट्यूशन हॉल, होटल, रेलवे वेटिंग हॉल, बैंक, रेस्टोरेंट, प्रेयर हॉल, शॉप, स्टोर, पार्लर, कम्युनिटी सेंटर्स, हाउस बंगलोज जैसे सैकड़ों स्थान पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की किन पहाड़ियों और इनकी तलहटी में जुरासिक काल के अनगिनत जीवाश्म मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ, दलमा की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ अथवा नेतरहाट की पहाड़ियाँ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजमहल की पहाड़ियाँ। आपको बता दें कि हिमालय से भी 500 करोड़ वर्ष पुरानी झारखंड स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ और इनकी तलहटी में जुरासिक काल के अनगिनत फॉसिल्स यानी जीवाश्म मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। भूगर्भशास्त्रियों यानी जियोलॉजिस्ट और पूरा वनस्पति विज्ञानियों यानी पैलियोबॉटनिस्ट ने इन फॉसिल्स की उम्र लगभग 68 से 150 मिलियन वर्ष आकी है। लखनऊ स्थित नेशनल बॉटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में किए गए रिसर्च के नतीजों से रहस्य की कई नई परतें खुलने की भी उम्मीद है। आइए इसके संबंध में और भी जानते हैं। विशेषज्ञों की माने तो राजमहल की पहाड़ियां एक बड़े भूगर्भीय उथल पुथल यानी जियोलॉजिकल अपहिवल से बना है। शोध और अध्ययन के संकेत यही हैं कि यह एक बड़ा समुद्रीय प्रक्षेत्र यानी सी जोन था और ज्वालामुखी विस्फोट की कई घटनाओं ने यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इकोलॉजी को बदल डाला है। नेशनल बॉटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने 1.5 साल पहले यहाँ दूधकोल नामक स्थान पर जिन फॉसिल्स की तलाश की थी उन पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप यानी लीफ इम्प्रेशन है। इसके 150 से 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान इन विज्ञानियों ने लगाया है। इस इलाके में मौजूद फॉसिल्स दुनिया भर में जुरासिक काल पर रिसर्च करने वाले विज्ञानियों के लिए दिलचस्पी का केंद्र बना है। साहेबगंज, सोनझड़ी, पाकुड़ जिले के महाराजपुर, तार पहाड़, गर्मी पहाड़ और बड़हरवा इलाकों में भी बड़ी संख्या में फॉसिल्स मिले हैं। कार्बन डेटिंग से भी यह साफ हो चुका है कि राजमहल की पहाड़ियां हिमालय से लगभग 500 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। ये पहाड़ियां लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 567 मीटर बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।